हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, एपिसोड 3 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां पर डे सोया होता है, और तभी वहां डे को कोई टच करने जाता है। डे अचानक से जग जाता है और उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है, और तभी वहां कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और डे कहता है मिस्टर कमोल। तो ये है मिस्टर कमोल, डे के बॉस। इस पर कमोल कहता है डे से, तुम अब भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। डे कहता है मिस्टर कमोल आप यहाँ पर। कमोल कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। इस पर डे कहता है हाँ, मैं आपको कैसे भूल सकता, मैं आपको नहीं भूल सकता। और यहाँ पर कमोल डे को एक पिक दिखाता है और कहता है ये रही वो कार जिसने तुम्हारी कार को हिट किया था। आगे जाकर ये कार एक पेड़ से टकरा गई, पर इसमें एक आदमी बच गया और अभी वो ICU में 5 दिन से एडमिट है। पर मुझे भी यह नहीं पता कि होश आने के बाद वो भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा, उसकी भी याददाश्त चली जाएगी कि नहीं। और यहाँ पर कमोल से मिलने के बाद और कमोल की बातें सुनने के बाद डे को मिस्टर कमोल से मिलने की फर्स्ट टाइम वाली बात याद आती है। फिर सीन दिखाते डे के पास्ट का, जहाँ पर डे छोटा होता है, उसके बचपन का। और वहाँ पर डे एक लड़के को रॉड से मार रहा होता है और डे गुस्से में कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तुमने मेरे पेरेंट्स की कार को हिट किया था जिसके बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। इस पर लड़का कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मेरे डैड तुम्हें पैसे दे देंगे। ये सुनने के बाद डे गुस्सा हो जाता है और वो अपने पैरों से उस लड़के को मारने लगता है, और वो कहता है ये रहा मेरे भाई की तरफ से, मेरा छोटा भाई जो अब कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाएगा। इतना कहकर वो लड़के को फिर से मारता है, और तभी वहाँ पर कमोल आता है। कमोल डे को देखता है और कमोल डे को उस लड़के को मारने से रोकता है, और डे से कहता है तुम इसे कैसे मारोगे और मारने के बाद तुम क्या करोगे, तुम आज तो जीत जाओगे पर इसके बाद क्या, कानून तुम्हारे इस बदले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनने के बाद डे रॉड को फेंक देता है, और तभी कमोल अपनी गन निकालता है और कहता है पर अगर तुम्हारे पास पावर होगी तो तुम बता सकते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, तुम सब कुछ डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। इतना कहकर कमोल डे को अपनी गन देता है, डे कमोल की गन ले लेता है, और यहाँ से ही डे कमोल के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कमोल यहाँ पर एक माफिया बिजनेसमैन है। अनफॉरगेटेबल नाइट में मैंने कीम और कमोल की लव स्टोरी तो एक्सप्लेन की थी, वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। उस सीरीज में जो कीम और कमोल थे ना, वो दोनों काफ़ी क्यूट और काफ़ी रोमांटिक थे, और इस सीरीज के जो कीम और कमोल है ना, वो थोड़े अलग है। उस सीरीज़ के जो कीम और कमोल है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं, अनफॉरगेटेबल नाइट, आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उस दिन से डे कमोल के लिए इनलीगल बिजनेस में कमोल का साथ देने लगा। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमोल अपने बिजनेस के लिए एक आदमी से मिलता है, और वो आदमी कमोल को शूट करने चाहता है, और तभी डे कमोल को बचा लेता है। डे उस आदमी के हाथ पर शूट करता है इससे पहले कि वो कमोल को शूट करे, और वो यहाँ पर उस आदमी को मारने चाहता है, तभी कमोल डे को रोकता है। तो इस सीन के हिसाब से डे कमोल पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और कमोल भी डे पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और यहाँ पर डे एक तरह से कमोल का बॉडीगार्ड बन जाता है कमोल के लिए काम करते हुए। और यहाँ पर पास्ट का सीन खत्म होता है। तो वापस इन दिखाते हैं डे का, जहाँ पर डे से कमोल का लवर किम कहता है क्या तुम अब मुझे छोड़ोगी भी, और तभी कमोल किम पे से अपना हाथ हटाता है, और डे यहाँ पर किम को देखता है, और किम को देखकर डे यहाँ पर शॉक हो जाता है, और डे कहता है किम तुम। इस पर किम कहता है कमोल से मिस्टर कमोल आप डे का रिएक्शन देख रहे हैं ना, इससे तो ये पता चल रहा है कि डे की मेमोरी सच में जा चुकी है। किम कहता है डे से डे तुम्हें याद नहीं कि हमने अपना ब्रेकअप किया था। फिर किम यहाँ पर डे को अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। फिर सीन दिखाते हैं डे के पास्ट का, जहाँ पर डे किम के साथ होता है। डे बेड पर होता है और वो किम से कहता है किम तुम्हें पता है ना कि मैं बस 7 बजे तक रुक सकता हूँ, मुझे मेरे भाई नाइट को लेने जाना है। ये सुनकर किम सैड हो जाता है, और किम कहता है तुम सोचो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ और तुम ऐसा बोल रहे हो। डे कहता है तुम यहाँ आए हो पर किस लिए। किम गुस्से में कहता है हम दोनों के बीच हमेशा से ये बार बार होता आया है, और वो वॉच के बारे में क्या, जो वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, मैंने तुम्हें उसे कभी भी पहने हुए नहीं देखा। इस पर डे कहता है तुम्हें पता है ना कि मैंने उसे बेच दिया। इस पर किम कहता है हाँ तुमने उसे नाइट के ट्यूशन फीस के लिए बेच दिया, पर तुम मुझे पैसों के बारे में बता भी तो सकते थे, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता, तुम मेरा दिया हुआ गिफ्ट कैसे बेच सकते हो। ये सुनकर डे गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में कहता है तुमने मुझे दिया था तो वो मेरा हो गया था,
इस पर किम कहता है, हाँ वो तुम्हारा हो गया था, पर वो गिफ्ट हमारे 3 मंथ के एनिवर्सरी का गिफ्ट था। डे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर डे कहता है, किम हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं हैं। इस पर किम कहता है सैड होते हुए, डे क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया है? इस पर डे कहता है, मैं अपनी लाइफ में बस एक इंसान से प्यार करता हूँ और वो ही मेरा छोटा भाई नाइट। और ये सुनने के बाद किम का यहाँ पर दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर डे से ब्रेकअप कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि डे किम से प्यार नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे के ब्रेकअप होने के बाद किम जाता है बार में। वो अकेले बार में बैठा होता है, तभी वहाँ पर डे आता है। किम डे को देखता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आओगे। इस पर डे कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा, पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ लेकर आया है। ये सुनकर किम यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो डे को थप्पड़ मार देता है। और तभी वहाँ पर ईट आ जाता है। ईट वहाँ डे का वेट करता है और तभी डे किम का हाथ पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी किम। इस पर किम कहता है, नहीं, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस पर डे कहता है, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी दी हुई वॉच बेची नाइट की ट्यूशन फीस के लिए, और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना। इस पर किम गुस्से में कहता है, डे तुम जो चाहे कर लो, कोई भी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करने वाला। इस पर डे कहता है, किम तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे दोस्त हो। किम गुस्से में कहता है, आई होप मैं भी किसी दिन तुमसे ये बोल सकूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो। और तभी डे वहाँ पर किम को उसकी वॉच देता है जो उसने डे को गिफ्ट में दी थी। और वॉच देने के बाद डे वहाँ से चला जाता है ईट के पास। ईट कहता है डे से, क्या सब ठीक है? डे कहता है हाँ। ईट कहता है, मैंने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँगा तो तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं। और यहाँ पर ईट काफ़ी हैप्पी होता है और डे भी, और दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं। और डे के जाने के बाद किम उस वॉच को देखता है जो उसने डे को गिफ्ट की थी, और किम यहाँ पर सैड हो जाता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर कमोल आता है, और यहाँ पर कमोल किम को पहली बार देखता है, और यहाँ पर कमोल को किम से पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। तो ये थी शॉर्ट में किम और कमोल की लव स्टोरी, और इसमें डे और किम की रिलेशनशिप के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है। फिर वापस सीन दिखाते हैं डे का और कमोल का, जहाँ पर कमोल कहता है डे से, डे तुम्हें याद नहीं होगा पर किम अब मेरा सोलमेट है, किम मेरा लाइफ पार्टनर है। और ये सुनकर डे यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे वो बात तो याद नहीं होती कि किम अब कमोल के साथ है और दोनों रिलेशनशिप में हैं। डे घबराते हुए कहता है, तो मिस्टर कमोल क्या आप मेरे और किम के बारे में जानते हैं कि हम दोनों पहले साथ में? इस पर कमोल कहता है, मैं किम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें ये बात अब याद नहीं होगी। इस पर किम कहता है, हाँ मैं कमोल से छुपने के लिए तुम्हारे घर ईट और तुम्हारे साथ रहने भी आया था। और यहाँ पर कमल स्माइल देता है और कहता है, ईट की वजह से मैं और किम मिल पाए। ये सुनकर डे गुस्से में कहता है, फिर से ईट? इस पर कमल कहता है, हाँ। इस पर किम कहता है, हाँ तुम ईट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। फिर कमल कहता है, किम सेम, तो बेबी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर किम यहाँ पर शाय फील करता है और कहता है, मिस्टर कमोल आप भी ना, आपको डे के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इतना कहकर ईट वहाँ से जाने लगता है। और कमोल कहता है डे से, डे तुम अभी ईट को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें खुद पर ज़्यादा ट्रस्ट है, पर इस टाइम तुम अपनी मेमोरी भूल चुके हो तो तुम खुद पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस पर डे कहता है, बॉस मुझे सच में नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। और तभी वहाँ पर ईट आ जाता है और यहाँ पर डे ईट को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे से मिलने नील और निक आते हैं। नील कहता है, डे तुम कैसे हो? तभी निक कहता है नील से, नील मैंने तुम्हें बताया था ना कि रेस करना कितना डेंजर हो सकता है, अगर तुम भी कभी डे की तरह बीमार पड़ गए और तुम्हारी भी मेमोरी चली गई तो मैं डेफिनेटली सच में नया बॉयफ्रेंड खोज लूँगा। इस पर नील कहता है, लिटिल बॉय तुम शांत हो जाओ। और वो सब कुछ सुन डे कहता है नील से, नील जैसा कि मुझे याद है तुम मेरे भाई नाइट जैसे शांत थे, तो फिर तुमने क्यों इस जैसे पर्सन को अपने लिए चूज किया? तुमने क्यों अपने लिए ऐसा पर्सन खोजा? यह सुनकर निक यहाँ गुस्सा हो जाता है और गुस्से में डे से कहता है, अगर तुम बीमार नहीं होते तो मैं तुम्हें बताता, और वैसे भी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और हाँ यस, मैंने नील के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट किया था जब नील बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। नील बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था
जब उसने देखा कि नाइट गियर से प्यार करता है, गियर जो कि मेरा फ्रेंड है। और उसी टाइम नील को मेरी अच्छाई पसंद आ गई और मेरा बनाया हुआ खाना भी, और हाँ उसके साथ मैं भी, और वो भी बहुत ही गुड टेस्ट के साथ। तुम समझ गए ना। इस पर डे कहता है नील से, तो नील नाइट और गियर को मैंने बॉयफ्रेंड बनने कैसे दिया। इस पर नील कहता है, वेल नाइट और गियर पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, पर तुम उन दोनों के प्यार के खिलाफ थे, और एक दिन तुमने और गियर ने मिलकर नाइट को बचाया था, और नाइट को बचाते समय तुम्हें चाकू लगने ही वाला था कि तुम्हारी जगह वहाँ गियर आ गया था, और गियर ने तुम्हें बचाया और चाकू गियर को लग गया, क्योंकि नाइट ने गियर को बताया था कि तुम उसके बस एक ही भाई हो जिसे नाइट कभी खोना नहीं चाहता, और गियर यहाँ पर नाइट को उदास देखना नहीं चाहता था, सैड देखना नहीं चाहता था, इसलिए गियर ने तुम्हारी जान बचाई, और उसके बाद तुम गियर और नाइट के प्यार को समझ गए। इस पर डे कहता है, तो नाइट को हर्ट करने की कोशिश किसने की थी। ये सुनकर नायक यहाँ पर इरिटेट हो जाता है और कहता है, डे अच्छा होगा कि ये सब बातें तुम खुद याद कर लो, और वैसे भी ये सब कुछ हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा अगर बातें तुम्हें खुद से याद आ गई तो। आगे डे कहता है नील से, तो फिर क्या सच में मैं और इट बॉयफ्रेंड है। इस पर नायक कहता है, हाँ तुम इट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, तुम बिल्कुल हमारे कपल के जैसे थे, तुम दोनों बिल्कुल हमारे जैसे थे। इस पर डे कहता है, तो फिर क्या सच में मैंने पहले इट से प्यार करना स्टार्ट किया था। इस पर नील कहता है, हाँ तुम इट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, और बात रही गियर और नाइट के लव के बारे में तो तुम प्यार को नहीं रोक सकते। आगे नायक कहता है, तुम तो इट से इतना प्यार करते थे कि तुम इट को कहीं भी जाने नहीं देते थे। जब मैंने इट से पूछा ट्रिप पर जाने के लिए, तब इट ने मुझे कहा था कि मैं पहले तुमसे पूछूं। तुम इट को परमिशन देते थे उसकी फादर की जगह। और यहाँ पर डेट के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे की आंटी आती हैं डे से मिलने के लिए, जो डे के शॉप पर काम करती हैं। डे उन्हें घूरने लगता है। इस पर आंटी कहती है घबराते हुए, डे तुम्हारी आंखें अब पहले जैसी डरावनी हो गई हैं, मुझे तुम्हें से देखने की आदत अब नहीं रही। फिर यहाँ पर वो डे के पुराने दिनों को याद करती है। फिर सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर डे मिस्टर कमोल के लिए एक जॉब छोड़ने के बाद अपने हेयर सलून में काम कर रहा होता है। तभी डे से आंटी कहती है, डे क्या तुम्हारी फिर से इट से लड़ाई हुई है। इस पर डे स्माइल देता है और कहता है, इट्स ओके मैं हैंडल कर लूँगा। इस पर आंटी स्माइल देते हुए कहती है, डे तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो। डे कहता है, क्या सच में कैसे। इस पर आंटी कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद तुमने स्माइल देना बंद कर दिया था, तुम बस अपने छोटे भाई नाइट को देखकर स्माइल देते थे या फिर कस्टमर के लिए, और वो भी झूठी वाली स्माइल, सिर्फ बिजनेस वाली स्माइल। पर जब से तुम ईट से मिले हो तब से तुम अब दिल से स्माइल देने लगे हो, मैं चाहती हूँ कि अब से तुम बस ऐसे ही रहो। ये सुनकर डे यहाँ पर स्माइल देता है। आगे आंटी कहती है, तुम फिर से पहले जैसे डे ना बनो, और यहाँ पर डे काफ़ी हैप्पी होता है। वापस सीन दिखाते डे का, जहाँ पर आंटी कहती है, डे सेम तो ये रहा हमारे एम्प्लॉय की तरफ से तुम्हारे लिए, वो खुद यहाँ आना चाहते थे पर मैं आ गई उनकी जगह। इस पर डे कहता है, मैं अब ठीक हो चुका हूँ। इस पर आंटी कहती, क्या तुम ठीक हो चुके हो, पर ऐसे कैसे। तुम्हारा टूटा हुआ पैर, तुम्हारा टूटा हुआ हाथ, और हाँ तुम्हारे चोट वाला सिर, और तुम ठीक हो गए हो। आगे आंटी कहती, डेम क्या तुम्हें पता है जब ईट को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था, उस टाइम ईट बीमार था, फिर भी वो उतनी रात को बिना कुछ खाए पिए तुम्हारे पास ड्राइव करते हुए आ गया इतनी दूर से। बेचारा ईट, मुझे ईट के लिए बहुत ही बुरा लगा। और जब ईट को पता चला कि तुम आईसीयू में एडमिट हो, वो सुनने के बाद तो ईट बेहोश हो गया था। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था ईट के लिए, बेचारा ईट माइंड से भी बीमार और बॉडी से भी। पर जब मैंने याद किया तुम्हारे और ईट के पुराने टाइम को, तुम्हारे होम टाउन के बारे में, तुम दोनों के लव के बारे में, कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, वो सब याद करके, ओ माय गॉड तुम कितने क्यूट थे उस टाइम। और इतना कहकर वो यहाँ पर स्माइल देती हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।